नमस्कार साथियों वर्ष 2021 के पदम पुरस्कारों की घोषणा यहां पर हो चुकी है इस बार वर्ष 2021 में 119 पद्म पुरस्कार वितरित किए जाएंगे जिसमें से सात पद्म विभूषण दस पद्म भूषण एवं 102 सौ पद्मश्री पुरस्कार यहां पर दिए जाएंगे चलिए तो वर्ष 2021 में जो 119 पद्म पुरस्कार वितरित होंगे उसमें से उन उनतीस महिलाओं को यहां पर चुना गया है दस विदेशी लोग हैं जिसमें एनआरआई, पीआईओ, ओसीआई, ठीक है तो दस विदेशी लोग हैं एक ट्रांसजेंडर है जिसको ये सम्मान दिया गया है सोलह व्यक्तियों को मरणो उपरांत पदम पुरस्कार दिए जाएंगे एवं छह खिलाड़ी हैं एक कोच और एक सिनेमा सिनेमा जगत से व्यक्तित्व हैं जिनको ये पुरस्कार दिया जाएगा और मध्य मद्द मध्य प्रदेश के भी कुछ रिनाउंड पर्सनालिटी हैं जिनको ये पुरस्कार दिया जाएगा तो सबके ऊपर बात करेंगे अभी देखिए भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न भारत रत्न के बाद दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान होता है पद्म विभूषण तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है पद्म भूषण और चौथा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है पद्मश्री अगर इसके इतिहास की बात करते हैं तो पद्म पुरस्कार की जो स्थापना है उन्नीस में हुई थी उन्नीस के बाद हर साल यह पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं लेकिन उन्नीस सौ अठहत्तर और संतानवे इन चार वर्षों को अगर छोड़ दिया जाए तो हर वर्ष ये पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं भारत सरकार के द्वारा राष्ट्रपति इन पुरस्कारों को प्रदान करता है यह पुरस्कार पदम पुरस्कार कला समाज सेवा लोक कला साहित्य और शिक्षा खेलकूद विज्ञान एवं इंजीनियरिंग व्यापार और उद्योग चिकित्सा सिविल सेवा आदि के क्षेत्र में आदि के क्षेत्र में उत, उत्कृष्ट योगदान के लिए यह पुरस्कार दिए जाते हैं ठीक है जिसका इन क्षेत्रों में जिन भी व्यक्तित्व का बहुत ही ज्यादा उत्कृष्ट योगदान होता है स्पेशलाइज होता है तो उन व्यक्तित्व को ये पद्म पुरस्कार यहाँ पर दिए जाते हैं चलिए तो इस बार 2021 में सात पद्म विभूषण देने की घोषणा हुई है जैसे कि सिंजो आबे सुदर्शन साहू नरेंद्र सिंह कपानी बेले मुनप्पा हेगड़े मौलाना वहीउद्दीन खान एसपी पी बाल सुब्रमण्यम और बीबी लाल ऐसे सात व्यक्तित्व को पद्म भूषण पद्म विभूषण पुरस्कार से नवाजा जाएगा चलिए तो यहाँ पे मैंने इंग्लिश मीडियम के लिए भी स्लाइड लगा दी है सिंजो आबे, एस पी, बाल, बाल सुब्रमण्यम बेले मुनप्पा हेगड़े नरेंद्र सिंह कपानी मौलाना वहीउद्दीन खान बीबी लाल और सुदर्शन साहू चलिए अब क्वेश्चन किस प्रकार से बन सकते हैं वो सभी मैं आपके लिए बता देता हूं देखिए सिंजो आबे सिंजो आबे को जन सेवा के क्षेत्र में यहां पर दिया गया है ये भूतपूर्व जापान के प्रधानमंत्री हैं पूर्व जापान के प्रधानमंत्री आबे इनको भारत और जापान के संबंधों में काफी प्रगति हुई जब ये प्रधानमंत्री थे सिंजो आबे जब जापान के प्रधानमंत्री थे तो भारत से बहुत ही अच्छे रिलेशन यहाँ पर जापान के थे और काफी ज्यादा प्रगति के क्षेत्र में और लोक सेवा के क्षेत्र में यहां पर पद्म विभूषण सम्मान से सिंजो आबे को नवाजा गया एसपी बाल बाला सुब्रमण्यम मन्नो उपरांत इनको कला के क्षेत्र में ये पुरस्कार दिया गया एसपी बाल बाला सुब्रमण्यम ये एक गायक हैं गायक थे ये मरणो उपरांत मिला है इनको प्रसिद्ध गायक एस पी सुब्रमण्यम ने ५० साल के गायकी करियर में तमिल, कन्नड़, हिंदी और मलयालम में चालीस हजार से ज्यादा गाने गाए हैं बाला ने तमिल तेलुगु कन्नड़ और हिंदी भाषा की चालीस से ज्यादा फिल्मों में संगीत निर्देशन संगीत निर्देशन का काम भी किया है उन्हें 2001 में पद्मश्री और 2011 में पद्म भूषण से नवाजा जा चुका है तो यहां पर इनको 2001 में पद्मश्री और 2011 में पद्म भूषण से नवाजा गया था और वर्ष 2021 में इनको पद्म विभूषण से नवाजा गया है मन्नोपरांत इनका निधन 25 सितंबर 2020 को हुआ था तो एकमात्र जो सिनेमा के क्षेत्र में पद्म पुरस्कार मिला हुआ है वो एस पी बाला सुब्रमण्यम को मिला हुआ है याद रखिएगा क्वेश्चन बन सकता है डॉक्टर बेले मोनप्पा हेगड़े चिकित्सा के क्षेत्र में इनको पद्म विभूषण से नवाजा गया है कर्नाटक के हैं ये प्यूपल्स डॉक्टर के नाम से जाने जाते हैं ये प्यूपल्स डॉक्टर डॉक्टर बेले मोनप्पा हेगड़े कर्नाटक के प्रसिद्ध हृदय रोग विशेषज्ञ हैं कार्डियोलॉजिस्ट हैं हृदय रोग विशेषज्ञ हैं ये वे शिक्षाविद और लेखक भी हैं राइटर भी हैं उन्होंने चिकित्सा पद्धति और नैतिकता पर कई किताबें लिखी हैं उन्हें 2010 में पद्म भूषण अवार्ड दिया गया था तो 2010 में उनको पद्म भूषण अवार्ड मिला था और 2021 में उन्हें पद्म विभूषण अवार्ड से नवाजा गया है याद रखना चिकित्सा के क्षेत्र में बेले मुनप्पा हेगड़े नरेंद्र सिंह कपानी बहुत फेमस नाम है नरेंद्र सिंह कपानी इनको फादर फादर ऑफ फाइबर ऑप्टिक्स के नाम से जाना जाता है ये भारतीय मूल के अमेरिकी भौतिक वैज्ञानिक है ये भारतीय मूल के हैं लेकिन अमेरिका में रहते हैं अमेरिकी भौतिक वैज्ञानिक हैं जो आज हम इंटरनेट यूज करते हैं कहीं ना कहीं इनकी ही देन है जो फाइबर ऑप्टिक्स हैं इन्होंने काफी ज्यादा रिसर्च की फाइबर ऑप्टिक्स पर और इनको फादर ऑफ फाइबर ऑप्टिक्स के नाम से जाना जाता है क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फादर ऑफ फाइबर ऑप्टिक्स किसे कहा जाता, कहा जाता है तो नरेंद्र सिंह कपानी को जाना जाता है ठीक है तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में इनको पद्म विभूषण अवार्ड ये दिया गया यूएसए के हैं ये मूलता उन्हें फॉर्स मैगजीन ने फॉर्ब्स मैगजीन ने बिजनेसमैन ऑफ द सेंचुरी एडिशन में हीरो ठीक है क्वेश्चन पूछा जाएगा कि फॉर्ब्स मैगजीन के द्वारा बिजनेसमैन ऑफ द सेंचुरी एडिशन में अनसंग हीरो के तौर पर किसे नामित किया गया था तो नरेंद्र सिंह कपानी उन्होंने ही 1956 में फाइबर ऑप्टिक्स शब्द का इजाद किया था कपानी के शोध और अविष्कारों में फाइबर ऑप्टिक्स संचार लेजर बायोमेडिकल इंस्ट्रूमेंटेशन सौर ऊर्जा और प्रदूषण निगरानी शामिल है उनके पास सौ से अधिक पेटेंट हैं और नेशनल इन्वेस्टर्स काउंसिलिंग के काउंसिल के सदस्य भी रहे हैं तो याद रखना नरेंद्र सिंह कपानी विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में इनको पद्म विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया नेक्स्ट है मौलाना वहीउद्दीन खान स्पिरिचुअलिटी में इनको दिया गया है ये पद्म विभूषण अध्यात्म के क्षेत्र में दिल्ली के हैं ये दिल्ली के रहने वाले मौलाना वहीउद्दीन खान का जन्म 1 जनवरी 1925 को उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में हुआ था इस चीज को याद रखना उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में हुआ था वह प्रसिद्ध इस्लामिक विद्वान और शांति कार्यकर्ता थे कार्यकर्ता हैं उन्हें सोवियत संघ के दौर में राष्ट्रपति मिखाइल गोबारचेव ने डेमी पीस इंटरनेशनल अवार्ड से सम्मानित किया था इस अवार्ड को याद रखना है एग्जाम में पूछा जा सकता है उन्हें 2000 में पद्म भूषण से सम्मानित किया जा चुका है ठीक है तो यहां पर पद्म भूषण अवार्ड इनको 2000 में दिया गया था और वर्ष 2021 में इनको पद्म विभूषण अवार्ड दिया जाएगा इन्होंने कुरान को सरल और समकालीन अंग्रेजी में अनुवाद किया है नेक्स्ट देखिए बीबी लाल बीबी लाल ये एक आर्कियोलॉजिस्ट हैं और बहुत ही प्रसिद्ध राइटर भी हैं पुरातत्व जो ए एस आई है आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया उसके चेयरमैन भी रह चुके हैं दिल्ली के निवासी हैं ये बीबी लाल विभूषण दिया गया है इस साल का दिल्ली के प्रसिद्ध पुरातत्विक बीबी लाल भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण मतलब ए एस आई आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ए एस आई के महानिदेशक मतलब डायरेक्टर जनरल रह चुके हैं उनकी किताब राम उनकी ऐतिहासिकता मंदिर और सेतु साहित्य पुरातत्व और अन्य विज्ञान को लेकर खांसी बहस रही है इनकी एक फेमस किताब थी राम हिज हिस्टोरिसिटी मंदिर एंड सेतु ये किताब काफी ज्यादा विवादों में रही थी क्योंकि इसमें जो विवादित ढांचा था अयोध्या में विवादित ढांचे के नीचे मंदिर होने की बात इन्होंने कही थी के जो विवादित ढांचा था बाबरी मस्जिद का उसके नीचे यहां पर मंदिर होने की बात कही थी इस किताब में। ये किताब में इसीलिए विवादित हो गई थी तो ये किताब के बारे में एग्जाम में पूछा जा सकता है कि रामा हिज हिस्टोरिसिटी मंदिर एंड सेतु ये किसके द्वारा लिखी गई है तो बीबी लाल ठीक है ये आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के महानिदेशक भी रह चुके हैं उन्हें पहले पद्म भूषण दिया जा चुका है ठीक है तो याद रखना इनकी कुछ अन्य किताबें भी हैं जैसे कि द अर्लीस्ट सिविलाइजेशन ऑफ साउथ एशिया बीबी लाल जी के द्वारा लिखी गई है स्टोरी सिटी ऑफ महाभारत ये भी बीबी लाल जी के द्वारा लिखी गई है सुदर्शन साहू सुदर्शन साहू को कला के क्षेत्र में ये उड़ीसा के हैं टोटल यहाँ पर उड़ीसा के छह व्यक्तित्व को पद्म पुरस्कार से नवाजा गया है इस साल सुदर्शन साहू कला के क्षेत्र में इनको ये पुरस्कार दिया गया है उड़ीसा के प्रसिद्ध मूर्तिकार हैं ये ठीक है बहुत फेमस मूर्तिकार हैं ये वह पौराणिक कथाओं को रेत की मूर्तियों में ढालने में माहिर हैं उनकी बनाई कलाकृतियों की प्रदर्शनी देश विदेश में प्रसिद्ध है उन्हें पहले पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है वह अक्सर क्रिकेट मैच के दौरान खिलाड़ियों के भी चित्र उकेरते दिखते हैं ठीक है तो बहुत फेमस यहाँ पर मूर्तिकार हैं ये सुदर्शन साहू कला के क्षेत्र में इनको पद्म विभूषण पुरस्कार से नवाजा गया है नेक्स्ट देखते हैं पद्म भूषण तो यहां पर दस पदम भूषण पुरस्कार इस वर्ष वितरित किए जाएंगे पदम भूषण में कुछ महत्वपूर्ण नाम हैं जैसे कि कृष्ण नायर शांत कुमारी चित्रा ठीक है तो देखिए टोटल उनतीस महिलाओं को टोटल उन्तीस महिलाओं को पद्म पुरस्कार मिले हैं जिसमें से दो महिलाओं को पदम भूषण पुरस्कार से नवाजा गया है दो महिलाएं कौन है एक है कृष्णन नायर शांत कुमारी चित्रा और दूसरी है सुमित्रा महाजन ठीक है सुमित्रा महाजन जी के बारे में बताने वाला हूं अभी मैं चलिए तो दो महिलाओं को यहां पर दिया गया है और चार लोगों को मरणों उपरांत यहाँ पर पद्म भूषण अवार्ड से नवाजा गया है चार लोग कौन हैं तरुण गोगोई तरुण गोगोई ये आ, पूर्व चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं आसाम के रामविलास पासवान ये भी पॉलिटिशियन है बिहार के प्रसिद्ध नाम है इनका केशुभा पटेल मरणो उपरांत इनको भी ये गुजरात के हैं मरणोपरांत इनको केशुभा पटेल को पद्म भूषण दिया गया और कल्वे सादिक इनको भी मरणो उपरांत आध्यात्म स्पिरिचुअलिटी के क्षेत्र में ये उत्तर प्रदेश के हैं इनको पद्म भूषण नवाजा गया तो चार व्यक्तित्व हैं जिनको मरणो उपरांत मतलब पोस्तुमली ये पद्म भूषण अवार्ड दिया गया और दो फीमेल हैं जिनको ये अवार्ड दिया गया है तो सबके बारे में याद रखना क्वेश्चन बन सकता है, है, है। तरुण गोगई तरुण गोगई ये आसाम के पूर्व आसाम के पूर्व चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं और इंडियन नेशनल कांग्रेस इंडियन नेशनल कांग्रेस के सदस्य भी रह चुके हैं ठीक है तो यहाँ पे कांग्रेस के सदस्य थे फिर भी इनको यहाँ पर पद्म भूषण अवार्ड दिया गया चंद्रशेखर कंबरा चंद्रशेखर कंबरा इनको साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में कर्नाटक के हैं ये सुमित्रा महाजन ये आठ बार इंदौर से सांसद रही हैं। याद रखना आठ बार इंदौर से सांसद रही हैं और इससे पहले जो लोकसभा स्पीकर के तौर पर इन्होंने काम किया है लोकसभा स्पीकर रही हैं अभी जो प्रेजेंट में अगर पूछा जाए तो ओम बिरला ओम बिरला हैं हमारे लोकसभा स्पीकर इससे पहले जो लोकसभा स्पीकर थी वो है सुमित्रा महाजन निपेंद्रपेंद्र मिश्रा ये उत्तर प्रदेश के हैं निपेंद्र मिश्रा ये फॉर्मर आई अधिकारी थे उत्तर प्रदेश कैडर के उत्तर प्रदेश कैडर के निपेंद्र मिश्रा ये फॉर्मर आई अधिकारी हैं ये प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी रह चुके हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी रह चुके हैं मिश्रा और कई ऐसे व्यक्तित्व हैं जो राम जन्मभूमि से रिलेटेड कई ऐसे व्यक्तित्व हैं जिनको इस बार पद्म पुरस्कार दिया गया है उनमें से ही एक नाम है नृपेंद्र मिश्रा जी का ये उत्तर प्रदेश के हैं तो जो श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र है तो उसके निर्माण के ये चेयरमैन भी हैं राम राम जन्मभूमि जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के ये चेयरमैन भी हैं इस चीज को याद रखना निपाेंद्र मिश्रा जी को राम बिलास पासवान ये भी पॉलिटिशियन है बिहार के मरणोपरांत इनको दिया गया केशु भाई पटेल पॉलिटिशियन गुजरात के इनको भी मरणोपरांत दिया गया सल्वे कलल्वे कल, सादिक कलल्वे सादिक को स्पिरिचुअलिज्म में स्पिरिचुअलिज्म के क्षेत्र में इनको पद्म भूषण पुरस्कार से नवाजा गया रजनीकांत डी श्रॉफ रजनीकांत डी श्रॉफ इनको रज्जू श्रॉफ के नाम से भी जाना जाता है और इन्होंने इनकी एक कंपनी भी है इन्होंने एक केमिकल कंपनी बनाई थी जिसका नाम था यूपीएल यूनाइटेड फोस्फोरस लिमिटेड ठीक है तो बहुत जानी मानी कंपनी है रजनीकांत डी श्रॉफ त्रिलोचन सिंह त्रिलोचन सिंह को पब्लिक अफेयर्स में यहाँ पर हरियाणा के हैं ये तो इनको पद्म भूषण पुरस्कार से नवाजा गया तो दस ऐसे व्यक्तित्व हैं जिनको इस साल पद्म भूषण दिया गया है और 102 व्यक्तित्व को श्री, पदम श्री से सम्मानित किया गया अब 102 व्यक्तित्व बहुत ज्यादा हैं। तो कुछ व्यक्तित्व मैं आपको बता देता हूं जो मोस्ट इंपोर्टेंट हैं जहां से क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं जैसे कि छह खिलाड़ी हैं छह खिलाड़ी हैं खेल के क्षेत्र में यहां पर आ, उनको पद्मश्री दिया गया है एक ट्रांसजेंडर है ट्रांसजेंडर है एक ट्रांसजेंडर को यहाँ पर पद्मश्री अवार्ड दिया गया है एक कोच है एक कोच को यहां पर पद्मश्री अवार्ड दिया गया है और मध्य प्रदेश के दो व्यक्तित्व है जिनको पद्मश्री मिला है ठीक है ना एक भूरी बाई है और एक कपिल तिवारी जी है तो इनके बारे में मैं बताता हूं आपको चलिए तो जो खेल के क्षेत्र में जो छह पद्मश्री अवार्ड दिए गए हैं उसमें सबसे पहला नाम आता है अंशु जान जाम सेनपा अंशु जाम सेनपा अरुणाचल प्रदेश से आने वाली अंशु 41 साल की हैं वह एक सीजन में दो बार माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करने वाली दुनिया की पहली महिला हैं। ये पांच दिन के अंदर दिन के अंदर दो बार माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई कर चुकी हैं। अंशु जेम सेनपा पांच बार माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई कर चुकी हैं। टोटल पांच बार इन्होंने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की है और पांच दिन में पांच दिन में दो बार माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करने वाली पहली दुनिया की महिला हैं अंशु जामसेनपा अरुणाचल प्रदेश की हैं ये साथ ही वह पांच दिन में एवरेस्ट की चढ़ाई का रिकॉर्ड भी बना चुकी हैं साल 2017 में उन्होंने यह कारनामा किया था वह साल 2011 2013 और 2017 में एवरेस्ट की चढ़ाई कर चुकी हैं दूसरा नाम आता है स्पोर्ट्स में से वीरेंद्र सिंह का वीरेंद्र सिंह गुरुग्राम के हैं ये हरियाणा के हैं इनको भी पद्मश्री अवार्ड दिया गया इस साल ये फ्री स्टाइल रेसलर हैं रेसलर हैं ये वीरेंद्र सिंह वीरेंद्र सिंह पूर्व रेसलर हैं वीरेंद्र सिंह ने उन्नीस में वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता था फिर उन्नीस में कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीता उनकी बहन प्रीतम रानी सिवाज भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान रह चुकी हैं। तो याद रखना हाँ एक और क्वेश्चन है इनको गूंगा पहलवान के नाम से भी जाना जाता है वीरेंद्र सिंह को वीरेंद्र सिंह को गूंगा पहलवान के नाम से जाना जाता है बहुत फेमस ये एथलीट है, फ्री है, हैं, फ्री स्टाइल रेसलर हैं, जो कि हरियाणा से संबंधित हैं, ठीक है यहाँ पर नेक्स्ट जो नाम आता है जिन्हें पद्मश्री मिला हुआ है वो है के वाई वेंकटेश के वाई वेंकटेश स्पोर्ट्स के क्षेत्र में इनको भी पद्मश्री दिया गया ये डॉर्फ पैरा एथलीट हैं डॉर्फ पैरा एथलीट हैं कई मेडल इन्होंने डॉर्फ गेम्स में जीते हुए हैं कर्नाटक के रहने वाले वेंकटेश पैरा स्पोर्ट्स पर्सन हैं उनका कद चार फिट दो इंच है साल 2005 में वर्ल्ड डॉर्फ गेम्स में उन्होंने सबसे ज्यादा मेडल जीते थे इस वजह से उनका नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी दर्ज है तो याद रखना के वाई वेंकटेश जिनको इस साल पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया ये पैरा एथलीट नेक्स्ट पी अनिता पी अनीता भी बहुत फेमस यहाँ पर बास्केटबॉल प्लेयर हैं पी अनीता इनका जो पूरा नाम है वो है अनीता पाल दुराई ठीक है क्वेश्चन आ सकता है अनीता पाल दुराई ठीक है तो चेन्नई की रहने वाली अनीता भारतीय महिला बास्केटबॉल टीम की कप्तान रही हैं वह 18 साल तक भारतीय टीम का हिस्सा रही वह पहली भारतीय महिला बास्केटबॉल खिलाड़ी हैं जिन्होंने नौ बार एशियन बास्केटबॉल कन्फेडरेशन चैंपियनशिप में हिस्सा लिया है उन्होंने नेशनल चैंपियनशिप में तीस मेडल जीते हैं वह उन्नीस साल की उम्र में नेशनल टीम की कप्तान बन गई थी बाद में उन्हें थाईलैंड में भी खेली है ठीक है नेक्स्ट देखिए सुधा हरिनारायण सिंह सुधा नारायण सिंह इन्हें भी स्पोर्ट्स के क्षेत्र में ये उत्तर प्रदेश की हैं। उत्तर प्रदेश के रायबरेली की रहने वाली सुधा सिंह ट्रैक एंड फील्ड की खिलाड़ी हैं ट्रैक एंड फील्ड क्या होता है कि जिसमें स्टीपल कहते हैं इसको बेसिकली स्टीपल इस, इस चेस कहते हैं खिलाड़ी को अलग अलग बैरियर और पानी को पार करते हुए दौड़ पूरी करनी होती है इस प्रतियोगिता में उन्होंने दो के ग्वांगजू एशिया में गोल्ड और 2018 जकार्ता एशियाड में सिल्वर मेडल जीत लिया था साथ ही 2012 और 2016 के ओलंपिक खेलों में वह भारत का प्रतिनिधित्व कर चुकी हैं साल 2012 में उन्हें अर्जुन अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है तो सुधा हरिनारायण सिंह ये याद रखना स्पोर्ट्स के क्षेत्र में इनको पद्मश्री दिया गया है स्टीपल चेस एथलीट है ये स्टीपल चेस एथलीट रायबरेली की है चलिए नेक्स्ट देखिए इंडियन टेबल टेबल टेनिस प्लेयर हैं भारत की टेबल टेनिस प्लेयर ये पश्चिम बंगाल की हैं मोमा दास पश्चिम बंगाल के कोलकाता की रहने वाली 36 साल की मोमा ने ओलंपिक और कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत का प्रतिनिधित्व किया है ठीक है तो यहाँ पे फील्ड क्षेत्र पूछा जा सकता है क्योंकि इनको रिसेंटली पद्मश्री अवार्ड दिया गया है तो मोमा दास किस क्षेत्र से संबंधित हैं कौन सा खेल खेलती हैं तो यहां पर टेबल टेनिस प्लेयर हैं इस चीज को याद रखना टेबल टेनिस प्लेयर हैं उन्होंने 2018 गोल्ड कोस्ट कॉमनवेल्थ गेम्स में वुमेन्स टीम इवेंट में गोल्ड और डबल्स में सिल्वर मेडल जीता था 2010 दिल्ली कॉमनवेल्थ गेम्स में वुमेन्स टीम में सिल्वर और महिला डबल्स में काच पदक भी जीत चुकी है 2006 में मेलबर्न कॉमनवेल्थ गेम्स में उन्होंने वुमेन्स टीम में कांस पदक जीता था तो कई पुरस्कार कई मेडल इन्होंने जीते हैं तो आप यहाँ पर आप मोमा दास कहा से बिलोंग करती हैं तो पश्चिम बंगाल के कलकत्ता की रहने वाली हैं और दूसरी बात कौन सा खेल खेलती हैं तो टेबल टेनिस याद रखिएगा माधवन नामबियर बहुत फेमस है यहाँ पर माधवन नाम्बियर ये जो वुमेन है यहाँ पर इनका नाम है पीटी पी टी के कोच रह चुके हैं माधवन नामबियर तो एक कोच को भी यहाँ पर पद्मश्री अवार्ड दो दिया गया है स्पोर्ट्स के क्षेत्र में देखिए माधवन नाम्बियर केरल के रहने वाले माधवन नामबियर एथलेटिक्स के कोच हैं वह उड़नपरी के नाम से मशहूर पीटी ऊषा के कोच रह चुके हैं साल उन्नीस में उन्हें द्रोणाचार्य अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था तो कई प्रश्न बनने की यहां पर संभावना है माधवन नाम्बियर स्पोर्ट्स के क्षेत्र में कोच है ये उषा के कोच रह चुके हैं तो इनको पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है नेक्स्ट देखिए मध्य प्रदेश मध्य प्रदेश के दो फेमस व्यक्तित्व वे जिनको पद्मश्री मिला हुआ है दिया गया है, तो दो फेमस व्यक्तित्व वे कौन है एक है मध्य प्रदेश की भूरीबाई भूरीबाई को इस बार पद्मश्री सम्मान से नवाजा गया है मध्य प्रदेश में झाबुआ जिले के पिटोल गांव में जन्मी भूरीबाई भारत के सबसे बड़े आदिवासी समूह भीलों के समुदाय से हैं उन्होंने मध्य प्रदेश सरकार से शिखर सम्मान द्वारा कलाकारों को दिए गए सर्वोच्च राजकीय सम्मान सहित कई पुरस्कार भी जीते हैं तो याद रखिए भूरी बाई ये मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले से संबंधित हैं और भील समुदाय से आती हैं नेक्स्ट जिन्हें पद्मश्री अवार्ड मिला है मध्य प्रदेश के वो हैं कपिल तिवारी ये सागर जिले के हैं कपिल तिवारी सागर जिले के हैं दूसरी बात इन्हें साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में पद्मश्री अवार्ड दिया गया है मध्य प्रदेश के सागर जिले से आने वाले कपिल तिवारी को पदम पद्मश्री अवार्ड के लिए चुना गया है वह साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हैं कपिल तिवारी ने लोक संस्कृति साहित्य से संबंधित उनचालीस पुस्तकों का संपादन किया है वर्तमान में वे विदेश मंत्रालय की भारतीय संस्कृति संबंध परिषद के सदस्य हैं कपिल तिवारी आदिवासी लोक कला आदिवासी के निर्देशक भी रह चुके हैं उन्होंने मध्य प्रदेश में लोक कलाओं और लोक कलाकारों के संवर्धन में महत्वपूर्ण योगदान दिया है संस्कृति विभाग संस्कृति विभाग में उन्होंने अभिभाजित मध्य प्रदेश के जनजातीय बहुल क्षेत्रों से होनहार लोक कलाकारों को खोजकर उन्हें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंच प्रदान किया है तो बहुत फेमस और रेनाउंड पर्सनालिटी हैं कपिल तिवारी मध्य प्रदेश के सागर जिले से संबंधित हैं इनको इस वर्ष का पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया नेक्स्ट जो ट्रांसजेंडर हैं जिन्हें पद्मश्री अवार्ड दिया गया है उनका नाम है मन जम्मा जोगाती मन जम्मा जोगाती ये कर्नाटक की हैं कर्नाटक की हैं ट्रांसजेंडर हैं और एक विशेष प्रकार का नृत्य होता है जिसे हम कहते हैं नृत्य तो जोगा नृत्य करती हैं ये मन जम्मा मन जम्मा जोगाती जी ठीक है तो ये ट्रांसजेंडर है याद रखना इनको यहाँ पर इस वर्ष का पद्मश्री अवार्ड दिया गया है नेक्स्ट कुछ अन्य महत्वपूर्ण नाम हैं जिन्हें कला के क्षेत्र में कला के क्षेत्र में पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है तो याद रखिएगा जैसे दुलारी देवी टोटल ट्वेंटी नाइन महिलाओं को दिया गया है मैं महिलाओं पर एक सेपरेट वीडियो अलग से बना दूंगा तो यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण नाम है जैसे दुलारी देवी कला के क्षेत्र में बिहार की है ये कनाका राजू कला के क्षेत्र में ये तेलंगाना के हैं दुलाल मनकी दुलाल मनकी ये कला के क्षेत्र में इन्हें मिला हुआ है आसाम के हैं ये परशुराम आत्माराम गंगावने इन्हें भी कला के क्षेत्र में ये महाराष्ट्र के हैं तो कुछ महत्वपूर्ण नाम हैं बस आपको नाम याद होना चाहिए जो इम्पोर्टेंट थे वो मैं आपको बता चुका हूँ जैसे गुरु माँ कमाली सोरेन गुरु माँ कमाली सोरेन को यहाँ पे समाज सेवा के क्षेत्र में दिया गया है बीरू रंभा समाज सेवा के क्षेत्र में सोशल वर्क ये आसाम की हैं जितेंद्र सिंह सन्ठी ये सोशल वर्क के क्षेत्र में दिल्ली के हैं ये चुटनी देवी चुटनी देवी महत्वपूर्ण है ये इनके बारे में क्वेश्चन आ सकता है सामाजिक कार्य के रूप में इन्हें दिया गया सामाजिक कार्यकर्ता है ये सोशल वर्क के रूप में दिया गया है झारखंड की है गिरीश ने गिरीश ने इनको सोशल वर्क के सोशल वर्क के क्षेत्र में महाराष्ट्र के हैं ये इनको पद्मश्री अवार्ड दिया गया नंदा प्रोस्ती नंदा प्रस्ती को साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में उड़ीसा के हैं उड़ीसा से टोटल छह पुरस्कार मिले हैं याद रखना नेक्स्ट अब जो विदेश के व्यक्तित्व हैं जो विदेश के लोग हैं जिन्हें पद्मश्री अवार्ड अवॉर्ड दिया गया है उसमें से सबसे महत्वपूर्ण है संजीदा खातून ये म्यूजिक लॉजिस्ट है संजीदा खातून और 1971 की जो लड़ाई हुई थी 1971 में जो लिबरेशन वार वेटरन कर्नल काजी जहीर कर्नल काजी जहीर 1971 की लड़ाई के वक्त में लेफ्टिनेंट कर्नल थे काजी जहीर इनको भारत का प्रेस्टिजियस अवार्ड पद्मश्री से नवाजा गया है तो यहां पर काजी जहीर को जनसेवा के क्षेत्र में और संजीदा खातून को कला के क्षेत्र में पद्मश्री अवार्ड दिया गया है और ये दोनों ही बांग्लादेश के निवासी हैं तो इस चीज को याद रखना बांग्लादेश के निवासी हैं संजीदा खातून को ये म्यूजिकोलॉजिस्ट हैं संजीदा खातून को कला के क्षेत्र में और काजी जहीर को जन सेवा के क्षेत्र में पद्मश्री अवॉर्ड वर्ष 2021 का दिया गया बांग्लादेश के हैं मैंने ये लिस्ट यहाँ पर लगा दी है कुछ महत्वपूर्ण नाम है आप पद्मश्री के टोटल 102 हैं सबको याद नहीं रख सकते लेकिन कुछ कुछ महत्वपूर्ण हैं जिनको याद रखना ही है जैसे पी अनिता खेल के क्षेत्र में मिला है भूरीबाई ये कला के क्षेत्र में मध्य प्रदेश से हैं लक्ष्मी बरुआ सामाजिक कार्य ये सामाजिक कार्य के क्षेत्र में मिला हुआ आसाम से है पीटर ब्रुक ये महत्वपूर्ण हो जाते हैं ये ब्रिटेन ब्रिटेन के नागरिक हैं कला के क्षेत्र में इनको मिला हुआ है इनकी एक फेमस पुस्तक भी है महाभारत महाभारत रजनी बेक्टर ये व्यापार और उद्योग के क्षेत्र में ये पंजाब के हैं जगदीश चौधरी मरणो उपरांत जितने भी मरणो उपरांत मिले हैं उनका एक बार नाम जरूर देख लेना जगदीश चौधरी यहाँ पर दुलारी देवी महत्वपूर्ण है कला के क्षेत्र में ये बिहार की हैं चुटनी देवी बता चुका हूं मैं सामाजिक कार्य झारखंड अः अंशु जमसेनपा स्पोर्ट्स के क्षेत्र में खेल के क्षेत्र में ये अरुणाचल प्रदेश की हैं महत्वपूर्ण है उसके बाद में ये महत्वपूर्ण है महेश भाई और नरेश भाई कनोदिया महेश भाई और नरेश भाई कनोडिया को संयुक्त रूप से जोड़ी के रूप में मरणों उपरांत ये पुरस्कार दिया गया है पद्मश्री कला के क्षेत्र में ये गुजरात के हैं ये चीज याद रखना यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है कि महेश भाई और नरेश भाई को जो पद्मश्री अवार्ड दिया गया है तो जोड़ी के रूप में क्वेश्चन आ सकता है ठीक है तो मरणों उपरांत महेश भाई और नरेश भाई कनोडिया को संयुक्त रूप से पद्मश्री अवार्ड यहाँ पर दिया गया है कला के क्षेत्र में नेक्स्ट कपिल तिवारी ये सागर जिले के हैं साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में क्षेत्र में उत्तर प्रदेश की है ये। काजी सज्जाद अली जहीर, इनके बारे में बता चुका हूँ जनसेवा के क्षेत्र में ये बांग्लादेश के हैं विदेशी नागरिक जिनको ये पुरस्कार मिला है निकोलस कजानस साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में यूनान के हैं याद रखना निकोलस तो इनके बारे में याद रखना है, है आर्यन इन्वेजन थ्योरी तो आर्यन इन्वेजन थ्योरी का विरोध किया है काफी टाइम से विरोध किया है उन्होंने जैसे कि आर्यन इन्वेजन थ्योरी में कहा जाता है कि जो आर्यंस भारत में आए थे वो आर्यंस मध्य एशिया से आए थे लेकिन यहाँ पर निकोलस कजानाथ ने हमेशा विरोध किया इस बात का और उनका कहना था कि जो आर्यंस थे वो यही भारत के निवासी थे वो पहले से ही यहाँ पर रह रहे थे ठीक है तो इन पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है निकुलस कजानाथ साहित्य तो और शिक्षा के क्षेत्र में यूनान प्रदेश के हैं ये ठीक है नेक्स्ट संजीदा खातून बता चुका हूं मैं ये बांग्लादेश बांग्लादेशी हैं म्यूजिकोलॉजिस्ट है ने कला के क्षेत्र में रतन लाल रतन लाल ये भी अमेरिका के हैं ये भी विदेशी हैं विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में इनको मिला हुआ है माधवन नामबियार ये एक कोच हैं पीटी उषा के कोच हैं ये केरल के हैं ठीक है माधवन नाम्बियार याद रखना नेक्स्ट राभा के क्षेत्र में ये असम की हैं तो कुल मिला के ऐसे 102 सौ पद्म श्री पुरस्कार से यहाँ पर नवाजा गया है आपको आ, मोटे मोटे रूप से जो पद्म अवार्ड दो जो यहाँ पर बहत्तरवे गणतंत्र दिवस पर जो पुरस्कार आयोजित किए गए तो इसमें आपको मोटे मोटे रूप से इतना याद रखना है कि सात पद्म विभूषण दस पद्म भूषण और एक सौ दो पद्मश्री अवार्ड यहाँ पर दिए गए जिनमें से उनतीस महिलाओं को दस विदेशियों को एक ट्रांसजेंडर को सोलह व्यक्तियों को मरणोपरांत दिया गया जिनमें से छह खिलाड़ी हैं एक कोच हैं और एक सिनेमा जगत के व्यक्तित्व हैं जिनको ये पुरस्कार दिया गया और मध्य प्रदेश में किन किन व्यक्तियों को मिला हुआ है तो ये जैसे सुमित्रा महाजन ये इंदौर से आठ बार सांसद रही हैं और लोकसभा स्पीकर रह चुकी हैं ये लोकसभा स्पीकर थी तो इनके बारे में क्वेश्चन आ सकता है कि किस नंबर की लोकसभा स्पीकर थी ये तो सोलवी नंबर की भूरी भाई ये झाबुआ जिले से है कपिल तिवारी सागर जिले से है ट्रांसजेंडर क्या नाम क्या है कहाँ से है जिनको पद्मश्री अवार्ड मिला हुआ है तो कई ऐसे क्वेश्चन हैं जो इस टॉपिक से पूछे जाएंगे चलिए वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए कमेंट कीजिए सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे और वीडियो को शेयर करना ना भूलें चलिए थैंक्स फॉर वॉचिंग